सक्सेना जी, भाई विक्रम बैठे हैं, अजय सक्सेना जी बैठे हैं, अज्जू ठाकुर जी बैठे हैं, इन्होंने लंबा समय लंबा काम कांग्रेस में पूरा जीवन दिया, लेकिन सब कुछ भूल करके सब कुछ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और ये चाहते थे कि उसमें छिंदवाड़े का भी योगदान होना चाहिए। आप ये सब कुछ छोड़ के आए, उस समय कुछ पक्का था कि हम जीतेंगे? कुछ पक्का था क्या? लेकिन ये छोड़ करके आए, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए। ये नहीं आए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आए, बूथ स्तर से लेकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ बंटी साहू अकेले की नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष की और एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की, जिन्होंने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ली है, वो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके मान सम्मान की भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब भैया हमारी साथ, हम जीत गए, दिल्ली में सरकार बन गई, अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं और अभी एक चिट्ठी चिट्ठी चल रही है, कुछ चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए भैया? लोगों की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। क्यों नहीं आए विधानसभा चुनाव के समय? क्यों नहीं आए लोकसभा चुनाव के समय? लेकिन अब जब हम जीत गए, उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है, मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा, अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले? 100% वाले। आज अवसरवादी नेताओं को नहीं लेना था, अवसर साधने के लिए आते, उनको नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। तो भैया मेरा बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इतना ही है, बस यही है।